हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे कि इंटरफेसिंग का ये सेकेंड वीडियो है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिकोडिंग के अलग अलग तरीके बताए थे और आज मैं आपको उसी डिकोडिंग का एप्लीकेशन बता रहा हूँ। आई होप दैट आपने पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो पहले उसको देखिए, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। देखिए, आज का टॉपिक जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने, याद कीजिए, मैंने पेन ड्राइव का उदाहरण दिया था। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे 8 किलोबाइट का डेटा रैम कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे मैं बेसिक्स में नहीं जाऊँगा, 8 किलोबाइट का डेटा रैम को कैसे कनेक्ट करते हैं मैंने आपको बताया था। अब देख लीजिए, ये हमारा 8051 माइक्रोकंट्रोलर, ये इंटरफेसिंग है। इंटरफेसिंग में मैं आपको एक एक चीज़ को बहुत गंभीरता से आपके सामने रखने वाला हूँ। कागज़ और पेन लीजिए, आपको जो जो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट रखते हैं उसको मेंशन कीजिए और इसको निकालने की ज़रूरत है लेकिन प्रैक्टिस के टाइम पे, अभी इतना समय नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाजू में रखिए, फिर उसके अंदर आप देखते रहिए। यहाँ देखिए, यहाँ एक बड़ा चक्कर है। पहले तो हम समझ लेते हैं ये है क्या। तो बच्चों देखिए, ये डेटा रैम है। रैम माने रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको हम लोग पढ़ा लिखा इंसान बोलते हैं, बिकॉज रैम मेमोरी हैज एबिलिटी टू रीड एज वेल एज राइट। मतलब यहाँ पे दोनों सिग्नल आएंगे, रीड सिग्नल भी आएगा और राइट सिग्नल भी आएगा। देखो, दिक्कत ये नहीं है। सबसे पहले यदि मैं 8 किलोबाइट की मेमोरी को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मेरा सबसे पहला सवाल ये आता है कि 8 किलोबाइट को कितनी एड्रेस लाइन लगती है। मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था, 8051 के पास टोटल कितनी एड्रेस लाइन है, 16। 8 किलोबाइट को कितनी एड्रेस लाइन लगती है, फॉर्मूला देखिए। यदि अपने पास 8K है, K का मतलब 10 एड्रेस लाइन, 8 के लिए क्या बोला था, 2^8, सो 2^3 इज इक्वल टू 8, 10+3 दैट इज 13 एड्रेस लाइन, A0 to A12 दीज आर द 13 एड्रेस लाइन। मतलब यहाँ पे एक डिसीजन हमारा हो गया कि इसको 12 एड्रेस लाइन लगना है, इसलिए मैंने इसको 12 एड्रेस लाइन दी है टोटल। आप देखिए, 13 एड्रेस लाइन लगना है, A0 to A12 13, तो यहाँ पे मैंने A12 तक एड्रेस लाइन दी है। तो ये एक पहला पॉइंट हुआ कि फाइंड आउट दैट हाउ मच एड्रेस लाइन रिक्वायर्ड फॉर द 8 किलोबाइट ऑफ रैम। आई होप यू अंडरस्टैंड कि पूरी की पूरी एड्रेस लाइन का काम ही नहीं है ना भाई। 16 एड्रेस लाइन लगेगी तो 2^16 इतना हो जाएगा, जैसे कि 64 किलोबाइट लगना है, लेकिन मेमोरी कितनी है अपने पास, 8 किलोबाइट। तो पहला मैंने प्रूव कर दिया कि यहाँ पे 13 एड्रेस लाइन लगनी है। नाउ वी आर गोइंग फॉर द सेकेंड थिंग। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे है। देखिए, मैंने क्या किया है, 8 किलोबाइट का मेमोरी है, इसलिए ये रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, इसलिए यहाँ पे मैंने रीड सिग्नल दे दिया और राइट सिग्नल दे दिया है। यहाँ पे प्रोग्राम स्टॉप इनेबल को नहीं कनेक्ट करना है, इसलिए इसको फ्लोट में रखा है। अब सबसे पहले मैं यहां से समझाता हूं कि ये चक्कर क्या है। सबसे बड़ी बात बेटा हमारे लिए ये है कि AD0 to AD7, पहले तो हमको इसको समझना है, जो कि हम पिन डायग्राम के टाइम पे समझ चुके हैं। AD0 to AD7 दीज आर कॉल्ड एज मल्टीप्लेक्स एड्रेस ऑब्लिक डेटा लाइन। मतलब क्या है, एड्रेस एंड डेटा लाइंस आर मल्टीप्लेक्स टूगेदर। मतलब हम 8 ही लाइन से, मैं थोड़ा सा डिटेल में लेके जाता हूँ जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि एक ही एग्जाम्पल से आपको बहुत सारा क्लियर हो जाएगा, इसलिए यहाँ थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, थोड़ा समय स्पेंड करते हैं। देखिए बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग। मान लीजिए हमारे पास ये 8 लाइन है और हमको क्या करना है, A0 to A7 तक एड्रेस भी भेजना है और D0 to D7 तक डेटा भी भेजना है। माने 8 बिट का एड्रेस है और 8 बिट का डेटा है, टोटल कितने बिट हो गए, 16 बिट। लॉजिकल कॉन्सेप्ट से जाए तो 16 बिट को भेजने के लिए हमको 16 लाइंस लगेगी, लेकिन चक्कर यह है कि डेटा और एड्रेस को पूरे माइक्रोकंट्रोलर के अंदर कभी भी हमको एक साथ नहीं भेजना है। बस इसी चीज का हमने फायदा उठाया और मल्टीप्लेक्सिंग का टेक्निक डाल दिया। मल्टीप्लेक्सिंग का चक्कर है, तो मैंने लाइन 8 ही ली है, उसी लाइन से मैं A0 to A7 लोअर 8 बिट का एड्रेस भी भेज रहा हूं और उसी लाइन से मैं 8 बिट का डेटा भी भेज रहा हूं, बिकॉज दे आर टाइम मल्टीप्लेक्स। एक समय नहीं जाएंगे, पहले डेटा भेज दूंगा बाद में एड्रेस भेज दूंगा, सो दीज आर टाइम मल्टीप्लेक्स, दैट्स व्हाई आई कैन डू इट। मतलब मैं एक ही लाइन से डेटा भेज रहा हूं, एक ही लाइन से एड्रेस भेज रहा हूं, इसलिए यह बन गया मल्टीप्लेक्स एड्रेस और डेटा लाइन। अब समय आ गया है इसको
एक दूसरे से जुदा करने का, और उसको हम लोग बोलते हैं डीमल्टीप्लेक्सिंग। नाउ डीमल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या है, जो एड्रेस और डेटा मल्टीप्लेक्स है उसको हमको सेपरेट करना है। हाउ यू गोइंग टू सेपरेट, तो उसके लिए आई होप दैट आपको यह चीज समझ में आई है। अब मुझे कब कौन सा और कहां भेजना है ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो मल्टीप्लेक्सिंग में हम लोग एक आईसी का इस्तेमाल करते हैं डी मल्टीप्लेक्सिंग के लिए, उसका नाम है 74LS31373। दिस आईसी इज कॉल्ड एज लैच आईसी। क्या नाम है बच्चों इसका? लैच आईसी। लैच आईसी का मतलब होता है इसके अंदर 8 बिट को होल्ड करने की क्षमता है। इट कैन होल्ड द 8 बिट्स ऑफ डेटा। अब देखिए बड़ा सिंपल चक्कर है, यहां से हमारे पास कौन आ रहा है, AD0 to AD7। यहां पे कौन है, एक इसको हमने AL इसे कंट्रोल सिग्नल दिया है, और एक OE जो है ये इनेबल सिग्नल है। फिर से इसको इनेबल करने के लिए यहां 0 देना पड़ता है, तभी आईसी इनेबल होगी। अब होगा क्या बेटा, यहां पे कौन जाएगा, तो यहां पे अपना एड्रेस जाएगा A0 to A7, और यहां से कौन जाएगा, तो अपना डेटा जाएगा D0 to D7। जैसे कि मैं सिंपल तरीके से देखिए, A0 to A7 आए, जैसे आपका ALE 1 हो जाएगा, मतलब G=1 हो जाएगा। ये लैच आईसी है, इसके अंदर 8 फ्लिप फ्लॉप सीरीज में लगे हैं, हर फ्लिप फ्लॉप की 1 बिट स्टोर करने की क्षमता है। मान लीजिए होल्डिंग कैपेसिटी है, जैसे आपने ALE 1 किया तो इसमें जो AD0 to AD7 में एड्रेस है, तो वो 8 बिट का एड्रेस यहां पे लॉक हो गया। मतलब लैच ने क्या कर लिया, वो एड्रेस को होल्ड कर लिया, बिकॉज इट हैज अ कैपेसिटी टू होल्ड द डेटा। तो 8 बिट का डेटा अभी कहां है, लैच के अंदर है। अब मुझे बताइए, यदि मैं 8 बिट का एड्रेस यहां पे, 8 बिट का एड्रेस यहां पे लैच करके रखा हूं, होल्ड करके रखा है, तो कैन आई से दैट दिस बस इज फ्री टू कैरी द डेटा। अब वही बस से मैंने पहले एड्रेस भेज दिया, वो लॉक हो गया, लैच हो गया, एंड दैट इज बीइंग सेंट हियर। Now, जैसे इसका स्टेटस 0 हो जाएगा, सेम बस इज यूज टू सेंड दी डेटा। तो क्या किया मैंने, एड्रेस को और डेटा को क्या कर दिया, सेपरेट। एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज डी मल्टीप्लेक्सिंग। आई रिपीट अगेन, विच आईसी वी आर यूजिंग, लैच आईसी 74LS373। वट इज दिस, दिस इज 8 बिट लैच आईसी हैविंग एबिलिटी टू होल्ड दी 8 बिट्स ऑफ डेटा। ये इसका कंट्रोल सिग्नल है, ये इसका इनेबल सिग्नल है। अब ये लॉजिक यहां उठाइए, यहां लेके आइए। देखिए बच्चों क्या किया, मुझे इस आईसी को पहले तो मैंने दिमाग में निकाला, मेरे को 12 एड्रेस लाइन देना है। 12 में से क्या है, 2 स्लॉट्स में अवेलेबल है, AD0 to AD7 और फिर A8 to A15 अलग अवेलेबल है। अब देखिए फिर डिकोडिंग ये है, डिकोडिंग पे मैं बाद में आता हूं। सबसे पहले पहले मुझे देना था 12 एड्रेस लाइन, 12 में से 8 तो अटक मतलब मल्टीप्लेक्सिंग में, इसलिए मैंने क्या किया, AD0 to AD7 जो है, that is I have transferred it through the demultiplexing technique. So with the help of these IC, यहां देखिए मैंने A0 to A7 भेज दिया, और यहां पे यकीनन D0 to D7, मतलब मेरी 8 एड्रेस लाइन चली गई, डेटा चला गया। नाउ 8 किलोबाइट होने के कारण कितना देना है, 13 लाइन, तो A8 to A12 जो कि डायरेक्ट अवेलेबल है, मैंने डायरेक्ट दे दिया। यहां कोई आईसी का कोई चक्कर नहीं, क्यों, बिकॉज दे आर अवेलेबल फ्री, सो दैट्स व्हाई डायरेक्टली आई हैव गिवन हियर टू A8 to A12। नाउ अब देखिए अब क्या हुआ, देखिए रैम है, रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, इसलिए मैंने रीड और राइट चक्कर दे दिया। P3.6 और 3.7 पिन डायग्राम में जाइए, 2 लाइन रीड और राइट के लिए यूज की है। दूसरा, मेरे को A0 to A12 13 एड्रेस लाइन देना था, इसलिए मेरी A0 to A7 मल्टीप्लेक्सिंग में थी, इसलिए मैंने विद द हेल्प ऑफ दिस आईसी डीमल्टीप्लेक्स कर दिया A0 to A7। डेटा तो 8 बिट का देना है, दे दिया है। अब मेरे को 13 एड्रेस लाइन देना था, इसलिए A8 to A12 यहां दे दिया। अब आती है बात A13, A14 और A15। ये जो 3 एड्रेस लाइन बची है, पूरा चक्कर जो है उस 3 एड्रेस लाइन पे है। तो पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन आप रखिए कि 3 एड्रेस लाइन को मैंने कहां यूज किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपने लिख लिया होगा, ये मैं मान के चलता हूं और आगे बढ़ता हूं। देखिए ये है हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर। अब हमें समस्या है कि हमारी जो 3 एड्रेस लाइन बची है, उस एड्रेस लाइन को एंगेज करना है, क्योंकि ये देखिए 13 14 15, यदि हम इसको फ्लोट में छोड़ देंगे तो वो हो जाएगा पार्शियल डिकोडिंग, और यदि हम उसको यूज करेंगे तो वो हो जाएगा फुल डिकोडिंग। और हम प्रिफेयर क्या करते हैं, फुल डिकोडिंग। क्यों फुल डिकोडिंग करना है, बिकॉज यदि हम फुल डिकोडिंग करते हैं तो हमारा फिक्स्ड एड्रेस आता है, वो भी एड्रेस मैं आज आपको निकाल के बताऊंगा। तो देखिए
एड्रेसिंग के लिए पहले मैं आपको इस आईसी के संदर्भ में बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिए, 74LS138, दिस इज बेसिकली 3S to 8 डिकोडर। मतलब है बच्चों इसको तीन इनपुट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आउटपुट होते हैं। आई विल राइट हियर Y0 bar, Y1 bar, Y2 bar, Y3 bar up to Y7 bar। यहाँ पे दो इनपुट और होते हैं जो कि ग्राउंडेड होते हैं, और एक VCC प्लस, मतलब ये 1 पे लगना चाहिए, 0 पे लगना चाहिए, ये बेसिक कंपलसरी है। यहाँ ग्राउंड देना है या प्लस VCC देना है तभी यह काम करेगा। मान लीजिए यहाँ पे ABC है, ये काम कैसे करता है, इसको हम लोग सिलेक्टर पिन बोलते हैं कि इसको तीन इनपुट है और 8 आउटपुट है। मान लीजिए हमारे पास है ABC और आउटपुट यहां लिख रहा हूं, यदि मैं स्टूडेंट्स यहां पे मैं 000 दे रहा हूं तो आपका आउटपुट आ जाएगा Y0, 001 दे रहा हूं तो Y1, 010 दे रहा हूं तो Y2, 011 दे रहा हूं तो Y3 .111 दे रहा हूं तो Y7। मतलब कुल मिला के बात यह हुई कि ये तीन लाइन जो है, दीज आर कॉल्ड एज आउटपुट सिलेक्टर लाइन्स। मतलब यहां 000 दे रहे तो आप Y0 सिलेक्ट कर रहे। सर फिर इसका इस्तेमाल क्या है? बड़ा सिंपल है, इसका मतलब आपको यदि कोई आईसी को सिलेक्ट करना है, ये एक्टिव लो पिन है, मतलब जीरो आउटपुट देगी। जैसे मैंने 00 दिया तो Y0 पे 0 लाएगी और बाकी सारे पिन को 1 कर देगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस आईसी से आप अलग अलग 8 अलग अलग आईसी को सिलेक्ट कर सकते हैं और बकायदा उसका एड्रेस भी यहां पर जनरेट कर सकते हैं। तो इसका कुल मिला के काम क्या हुआ? डिकोडर आईसी। सो वी नीड दिस डिकोडर आईसी टू जनरेट दिस लॉजिक। तो हमने क्या कर दिया, हमारे पास कितनी लाइन बची है? तीन। तो तीन लाइन में से मैंने यहां दे दिए A13, यहां दी है A14, यहां दी है A15। तो इन तीन लाइन को मैंने यहां एंगेज करके रखा है और ये तीन लाइन के हिसाब से मेरा आउटपुट सिलेक्ट होगा, और जो आउटपुट सिलेक्ट होगा वो इस आईसी को सिलेक्ट करेगा, और जो इस आईसी को सिलेक्ट करेगा फिर ये आईसी काम करेगा। तो इन तीनों को मैंने इसको इनेबल करने में एंगेज कर दिया है, मतलब मैंने इसको यूज में लाया है। मतलब मैंने यहां पे कौन सा डिकोडिंग किया है, पार्शियल या फुल? यस, ऑब्वियसली फुल डिकोडिंग। तो एड्रेस जनरेशन, अब हम लोग आखिरी पॉइंट पे आते हैं, एड्रेस जनरेशन। लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू जनरेट दी एड्रेस। बड़ा सिंपल है, लेट इट बी A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। जैसे भी एड्रेस जनरेशन, या इसको हम लोग एड्रेस मैपिंग भी बोलते हैं स्टैंडर्ड भाषा में। रूल नंबर 1, व्हेन वी आर गोइंग फॉर एड्रेस मैपिंग, तो जो डायरेक्ट एड्रेस लाइन दी है 12, सो A0 टू A12 को आप सेपरेट कर लीजिए 0000000000, मतलब 13 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13। तो 13 टाइम्स मैंने 1 दिया है, 13 टाइम्स मैंने 0 दिया है। अब कुल मिला के बात यहां आके रुक गई है, क्योंकि ये तो फिक्स्ड, ये तो चेंजिंग लॉजिक है, ये फिक्स्ड लॉजिक ये है। अब देखिए, यदि मैं यहां पे CS बार को कनेक्ट कर रहा हूं और यहां मैं Y4 बार कनेक्ट करता हूं, तो मुझे यहां पे 4 का बाइनरी लिखना है, 100। मतलब मैं 100 देता हूं तो कौन सिलेक्ट हो रहा है? Y4, एंड दिस इज बीन सिलेक्टेड। यदि मैं Y4 को यहां आउटपुट दे रहा हूं तो मेरा ये इनपुट ये आएगा, और मेरा जो स्टार्टिंग एड्रेस आएगा बच्चों, वो आएगा 8000H और ये आएगा 9FFFH। सो इज इट कंपलसरी? बिल्कुल ये कंपलसरी नहीं है। ये स्टार्टिंग एड्रेस होगा, ये एंडिंग एड्रेस होगा, ये तो आपके सोच के ऊपर निर्भर करेगा। यही सारी के सारा चक्कर यही आके रुक जाता है। जैसे कि ये तीन एड्रेस लाइन है, मान लीजिए कि कोई बोलता है कि सर मेरे को यहां पे 2 कनेक्ट करना है, Y2 कीजिए, Y2 कनेक्ट, Y2 करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, 010 और 010, मतलब 2 का बाइनरी। ये स्टार्टिंग में भी वही आएगा, एंडिंग में भी वही आएगा, तो ये 2 का बाइनरी बन गया। आप चाहते हैं कि सर नहीं मेरे को 1 चाहिए, तो आप 1 ले सकते हो, 001, और इसको भी कट करके 001। मतलब दैट कैन बी चेंज, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अ वेरिएबल दैट इज डिपेंडिंग ऑन द यूजर और स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड है कि आपने यहां पे क्या कनेक्ट किया है। मैं फिलहाल यहां पे Y4 लगा रहा हूं, इसलिए ये हो गया मेरा स्टार्टिंग एड्रेस और ये हो गया मेरा एंडिंग एड्रेस। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड, एंड दिस इज व्हाट इज सिंपल वे टू कनेक्ट।
यहाँ पे आप आउटपुट लगा दीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेसिंग ऑफ द डेटा मेमोरी, 8x8 के रैम को आप इंटरफेस कर सकते हो। अब आपका सवाल यह है कि सर इसमें वैरायटी क्या होगी, बहुत सिंपल है, वैरायटी क्या होगी, मान लीजिए 8x8 के आपने बोल दिया कि सर मेरे को 4k/8 करना है, 4k जैसे ही हो गया, मान लो बच्चों 4k है, k माने 10, 2 to the power how much is equals to 4, 2 to the power 2 is equals to 4, 10 + 2 कितनी होगी 12, लाइक A0 to A11, यहां पे आपकी A0 to A11 12 एड्रेस लाइन आ गई है, सो दीज आर द 12 एड्रेस लाइंस वी आर गिविंग, ओनली यहां पे 12 एड्रेस लाइन आएगी, मतलब यहां पे आपको 11 तक देना है, एक एड्रेस लाइन आपको इधर एंगेज करना है, फिर ये तीन यहां इनपुट देंगे, एक एड्रेस लाइन आप यहां लगा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन रिक्वायर्ड वन, आपको उसको वन रखना है तो यहां लगा दीजिए, जीरो रखना है तो यहां लगा दीजिए, तो बस इतने छोटे छोटे चेंजेस आएंगे, वो चेंजेस लेके मैं बाद में आपके सामने आऊंगा। आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा, और इस देखो थोड़ा सा टॉपिक जटिल है, थोड़ा सा टॉपिक डिफिकल्ट है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल कॉमन रहेगा, यहाँ पे हर बार यही आईसी आएगी, यहाँ पे भी हर बार यही आईसी आएगी, यहाँ पे एक चॉइस आपके पास हो सकती है, लेकिन मैं बोलूँगा इसी आईसी से जाओ। इसके बारे में मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे आप बोलते हैं कि सर मेरे को ये लॉजिक से नहीं जाना चाहिए, ये सिंपल लॉजिक है, मैं आपको दूसरा लॉजिक दो मिनट में बताता हूँ, एड्रेस 4 ही रखता हूँ, जैसे आप इसको कट करके एक सिंपल नैंड गेट यहाँ पे लगा सकते हो, मतलब ये देखिए यहाँ पे आप नैंड गेट लगा सकते हो, आपने यहाँ नैंड गेट लगा दिया और आपने 1, 2, 3 लाइन बची है, 12 आपकी तो यहाँ एंगेज हो गई है, आपके पास कौन बचा है 13, 14 और 15, मतलब मैंने ये लॉजिक बताने के बाद आप ये लॉजिक कभी यूज नहीं करोगे क्योंकि बहुत सिंपल है, यहाँ आपने आउटपुट लगा दिया, बाय एंड लार्ज आपको आउटपुट क्या चाहिए 0, बिकॉज इट इज एक्टिव लो सिग्नल, इसको जब तक के 0 नहीं देंगे या आईसी ऑन नहीं होगा, मतलब इनेबल नहीं होगा, तो आपको इसका आउटपुट 0 चाहिए, और नैंड गेट के कंडीशन में 0 एक ही कंडीशन में मिलता है, व्हेन ऑल इनपुट्स विल बी 1 देयर आउटपुट विल बी 0। तो लेकिन अब चक्कर यह है कि आपका एड्रेस आ जाएगा 111 और ये भी आ जाएगा 111, तो ओनली इन केस योर एड्रेस विल चेंज लाइक दिस 111, मतलब आपका बन जाएगा E000H एंड इधर आपका बन जाएगा FFFH स्टार्टिंग एंड एंडिंग। तो आप बोलेंगे सर इज दिस फिक्स्ड एज इट रिमेंस फिक्स्ड, नहीं, इसके अंदर तो काफी वैरायटी है, नंबर ऑफ टाइम दिस एड्रेस इज बीइंग मेंशन इन द प्रोग्राम स्टेटमेंट, तो आपको उसके हिसाब से करना है, उदाहरण बता रहा हूं, जैसे सामने वाले ने बोला है कि आपको इंटरफेस करना है एंड कीप, दे आर आस्किंग कीप द एड्रेस इज 4000H, तो 4000H आपको एड्रेस रखना है, तो क्या करना, देखिए पहले यहां तक तो हम सेम आ जाएंगे, सामने वाले ने क्या बोला है 4000 एड्रेस, तो यहां लिखिए 010, मतलब ये आ गया 40104, तो एड्रेस क्या हो गया आपका 4000H, और इधर क्या हो गया आपका 5FFFH, आई होप यस 5FF, अब 4 है ना, आपके पास चॉइस है क्या अभी, नहीं, तो आपको A13 क्या देना है 0। अब देखिए यहां पे एक सिंपल लॉजिक बता देना, मान लीजिए ये A13 है, आपको क्या चाहिए 1, देखिए यहां तो आपको 1 ही चाहिए भाई, 1 चाहिए तभी 0 बनेगा और ये 0 बनेगा तो ये एनेबल होगा, आप यहां 0 चेंज कीजिए 0 × 1 × 0 एंड 0 का बार होगा 1, तो आपका आईसी इनेबल नहीं होगा, मतलब आपको इनपुट में देना है 1, लेकिन यहां क्या देना है 13, बड़ा सिंपल है, यहां एक नॉट गेट लगाइए, आपने क्या दिया 0, क्या बन गया 1, अपना भी काम हो गया सामने वाले का भी काम हो गया, A14 क्या चाहिए 1, कोई जरूरत नहीं नॉट लगाने की, A15 0, तो यहां 0 दीजिए 1 हो जाएगा, हो गया आपका 4000, मींस यहां आप एड्रेस को चेंज कर सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट। देखिए मैंने ये भी बताया कि 4000 एड्रेस होगा तो कैसे, 5000 होगा तो कैसे, कोई भी एड्रेस लो इस टेक्निक से आप जाओ, तो आई होप दैट सर ये निकालेंगे तो ये निकालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना, आइदर और यहां ए आईसी से जाइए या फिर ये आईसी से, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा आप यही आईसी यूज कीजिए, उसका कारण यह है कि जब आपकी मल्टीपल आईसीज बढ़ेगी, जैसे यहां पे एक ही आईसीज को अभी आपको इंटरफेस करना है, यहां 2 करना है 3 करना है, तो फिर यहां दिक्कत जाएगी, इसके पास आप 8 अलग अलग आईसीज को इंटरफेस कर सकते एट ए टाइम, तो ये आपके लिए अच्छी फैसिलिटी रहेगी, सो बेटर वेज टू, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो इस तरीके से इंटरफेसिंग जो है वो अभी यहां पे 8k/8 डेटा रैम खत्म हो गया, मैंने सारे एस्पेक्ट्स इसके आपके सामने क्लियर किए हैं, फिर भी आपको यदि कोई डिफिकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हाँ जो स्टूडेंट अभी तक उनको पता नहीं है कि ये देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जो माइक्रो कंट्रोलर 5th सेम के स्टूडेंट्स है और माइक्रो प्रोसेसर 4th सेम कंप्यूटर के स्टूडेंट्स है,
उन लोगों का सिक्स नंबर का मतलब फाइनल चैप्टर, सिक्स नंबर का चैप्टर चालू हो गया है और आपका चैप्टर यही है। आगे बहुत बड़े बड़े इंटरफेसिंग लेके हम लोग आ रहे हैं, जैसे एलईडी है, स्टेपर मोटर है, डीसी मोटर है, सारे इंटरफेसिंग मैं आपको समझाऊंगा। और यदि हमारी क्लास 1 अप्रैल से चालू हो जाती है तो वो ऑफलाइन हम लोग पढ़ेंगे, नहीं चालू होती है तो मैं ऑनलाइन आपको सोल्यूशन उसके दे दूंगा। जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि काइंडली सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट आपको सबसे पहले हमारा वीडियो मिलेगा।